फ्रेंड्स, अभी नए दुकान में पहला ट्यूटोरियल वीडियो इस बार बन रहा है। तो ये है सलकटा टॉर्टोइस के ऊपर वीडियो है। बहुत टाइम से कस्टमर्स की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज आते थे कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, इसकी केयर, इसके इनहैबिटेंट, इसका रहने का तरीका, खिलाने का तरीका, कैसे क्या करना है पूरा। तो उस हिसाब से ये वीडियो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं सलकटा टॉर्टोइस है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये इंडियन स्टार टॉर्टोइस है। ये इंडियन स्टार टॉर्टोइस नहीं है, ये सलकटा टॉर्टोइस है। सलकटा टॉर्टोइस और इंडियन स्टार टॉर्टोइस में बहुत फ़र्क है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट वीडियो चाहिए उन दोनों का, तो आप मुझे मैसेज मुझे कमेंट्स में पिन डाउन करना, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में। और ये अफ्रीका का इनहैबिटेंट है, और जो इंडियन स्टार टॉर्टोइस है इंडिया का है, वो फ़र्क है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपन कवर करने के लिए पूरा एक वीडियो लगेगा, और एक कंपेयरिंग के लिए एक फ़ोटो है उसकी लगेगी। सो अभी है नहीं मेरे पास, उसके लिए मैं बना नहीं रहा हूँ वीडियो। सो इसके ऊपर अपन आते हैं सलकटा टॉर्टोइस पे। सलकटा टॉर्टोइस है अफ्रीका का इनहैबिटेंट है। ये हर्बीवोरस एनिमल है, सब शाकाहारी खाना खाएगा। जितना भी कोरिएंडर है, लीटस है, अच्छे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, सारे खाता है। इसका फूड आता है मजूरी करके, टॉर्टोइस का वो भी ये खाता है। एक पैलेटेड फूड आता है, वो भी ये खाता है। और इसका केयर एंड मेंटेनेंस बचपन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है विंटर सीजन में, बाकी के सीजन्स में बहुत अच्छा ही है। अच्छे से ग्रो हो गया, और एक बार अच्छी साइज़ पकड़ ली इसने, अराउंड 6 से 6-8 इंच अच्छे से बड़े साइज़ पकड़ ली, फिर आपको कुछ देखना नहीं इसको। एक प्रॉपर अपने एक एनक्लोजर बना ली है, अच्छे से उसमें रहता है। अब अपन इसका लाइफ स्पैन के बारे में देखेंगे। नेचर में इसका लाइफ स्पैन 70 साल 80 साल तक जीता है। कैप्टिव में जैसे आपके घर पे फार्म पे ये जा समझ के चलो जिएगा, अराउंड 40-50 साल जिएगा। और अपना जो ये है, इसकी साइज़ कितनी बढ़ रही है, ये अराउंड अप टू 30-40 kg तक बढ़ता है, बड़ा साइज़ बनता है। और 2 फीट तक बड़ा मैंने देख चुका हूँ इसको, 1 फीट 2 फीट तक बहुत बड़ा बनता है। इसके जो साथ के जो टॉर्टोइस जो है, चेरी हेड टॉर्टोइस इससे छोटा रहता है, और अलडब्रा टॉर्टोइस जो है वो इससे बहुत बड़ा बनता है। मतलब अलडब्रा से छोटा है और चेरी हेड टॉर्टोइस से बड़ा है, ऐसा कंपैरिजन आप पकड़ सकते हैं इसका। नेक्स्ट चीज़ इसकी है अपनी फीडिंग की। फीडिंग पे जैसे बताया, कोरिएंडर, लीटस, वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स सब खाता ही है। और इसका मजूरी करके एक फूड आता है, वो भी आप खिला सकते हैं। सबसे बेस्ट डाइट इसके लिए है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर खाते हैं, उसके पत्ते खाता ही है, ये उसको बहुत पसंद है। उससे उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है। सेम लाइक रेप्टाइल और सेम लाइक अपना रेडियस राइडर, एक पकड़ के चलो जैसा वो बाहर के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, सेम ये है। इसको एक यूवी भी लाइट लगेगी आपके इसके इंक्लोजर में, यूवी लाइट के इसमें आप रखोगे तब भी अपना टेम्परेचर सेट करेगा और अपने आप बॉडी इसकी रेगुलेट रहेगी। सेकेंड चीज़, इसको आपको वाटर के लिए एक बाउल रखना पड़ेगा अपने उसके एंक्लोजर में, वो खुद जाके पानी पी लेगा। पर वो जो वाटर, ये एक टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल है, ये कोई एम्फीबियन नहीं है, ये कोई वाटर एक्वेटिक एनिमल नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, इसको पानी में नहीं डाल देना है। कुछ लोग गलती कर चुके हैं, मैंने देखा है कस्टमर को, कि उसको एक बड़ा से पानी में डाल देते हैं और ड्रोन होकर मर जाता है या कुछ हो जाता है। उससे बेटर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको एक वाटर बाउल रख दीजिए। और सेकेंड चीज़, आप इसके लिए क्या कीजिए कि अपना वाटर सोकिंग कीजिएगा, 1/2 इंची 1 इंची का लुकवॉर्म वाटर बना के, मतलब इसके कैरापेस से नीचे नीचे उसमें आप वाटर सोकिंग कीजिए। वाटर सोकिंग करने से इसका फ़ायदा ये होगा आपका कि इसका ये अपना डाइजेशन वगैरह प्रॉपर रहेगा, और जो भी अंदर उसका खाना पीना पड़ा है वो निकाल देगा बाहर, और नया खाने के लिए जगह बन के रहेगी। और सेकेंड, अपने को इसको कभी भी ठंडे पानी में, ठंडे वातावरण में एकदम से नहीं लेके जाना है। वो लेके जाने से इसको तकलीफ़ बढ़ सकती है, इसको रेस्पिरेशन इश्यूज आ सकते हैं। रेस्पिरेशन इशू आए तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपके वेटरनेरियंस के राउंड्स बढ़ सकते हैं, वो चक्कर का ध्यान रखिएगा, तो वो मत कीजिएगा। और एंक्लोजर के लिए अपन एक ग्लास टैंक्स बना सकते हैं, ग्लास के बड़े बड़े टैंक्स बना के उसके अंदर आप एक हाइडिंग रीजन बना के, नीचे कोकोपीट का ह्यूमिडिटी बना के रेंज करके, और एक वाटर बाथ करके भी एक कर सकते हैं एंक्लोजर्स। बाकी रेप्टाइल टैंक्स जैसे आते हैं इस तरह के, तो रेप्टाइल टैंक्स में भी रख सकते हैं। तो रेप्टाइल टैंक्स में आपको दिखाता हूँ,
और एक बार ये बड़ा हो गया तो इसको आपको गार्डन में भी छोड़ते आते हैं और किधर भी करते आता है, तो कोई टेंशन नहीं है इसका। ये अभी एक एंक्लोजर अपना बोल सकते हैं, टेम्प्रेरी एंक्लोजर, जो स्टार्टिंग में अगर आपको लेना है तो एक ये रेप्टाइल टैंक ले सकते हैं, ये कोई भी पेट शॉप में मिल सकते हैं जो रेप्टाइल्स का काम करता है। और इसमें फ़ायदा ये कि प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर ओपनिंग है और अच्छे से रह लेगा, और आपका हैंडी है, आराम से आप उठा के लेके जा सकते हो। ये मेरे शॉप की यूज़ में भी मैं यही आजकल यूज़ कर रहा हूँ, और आराम से आपको सेट लॉक हो जाता ही है, किधर आपका एस्केप होने के भी डर नहीं है। वैसे तो टॉर्टोइस भागता नहीं है, ये स्नेक्स वगैरह के लिए भागने का डर रहता है, इगुआनास का डर रहता है, तो ये प्रॉपरली लॉक हो जाता है।